वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, आज है 21 जून और आज है मेरे छोटे बेटे अयांश का मुंडन। सो अभी हम थोड़ी देर में मंदिर के लिए निकलेंगे और वहाँ पे कालीसिल नदी है, उसके पास बच्चों का मुंडन किया जाता है, तो वहीं पे जाके हम अपने बेटे का मुंडन करवाएंगे। और मुंडन करवाने के बाद हम जाएंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए और आपको भी हम माता रानी के दर्शन करवाएंगे, यहाँ का आपको नज़ारा दिखाएंगे। तो ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं कालीसिल नदी के घाट पर, क्योंकि वहीं पर मेरे बेटे अयांश का मुंडन होगा। यहाँ जितने भी लोग बच्चों का मुंडन कराने के लिए जाते हैं वो इसी नदी के घाट पर आते हैं। यहाँ पर लोगों का ऐसा मानना है कि कालीसिल नदी में स्नान के बाद ही माता रानी के दर्शन करने चाहिए, इससे माता जी प्रसन्न होती हैं। इसलिए बहुत से लोग यहाँ पे पहले नदी पे स्नान करते हैं, फिर माता के दर्शन के लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मेरे बेटे का मुंडन होने जा रहा है, इसके लिए मैं पहले चौक बना रही हूँ और उसके बाद हो रहा है मेरे बेटे का मुंडन शुरू। और जैसे ही इसके बाल उतर रहे थे, पहले तो ये बिल्कुल नहीं रो रहा था, बट बाद में ये बहुत ही ज़्यादा रोने लगा था। इसकी वजह से मैंने आगे शूट नहीं किया। ये मेरे बेटे का मुंडन हो चुका है और अब इसको नहलाने के लिए हम ले जाएंगे नदी के घाट पर। और ये हम नदी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी बोट्स भी होती हैं जिससे आप नदी की सैर भी कर सकते हो। और यहाँ मैं अपने बेटे को नहला रही हूँ, पानी ठंडा था तो इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। बच्चे का मुंडन कराने के बाद और उसको नहलाने के बाद अब हम जा रहे हैं भवन की ओर माता के दर्शन करने के लिए। फ्रेंड्स, जैसे ही हम भवन की ओर जाते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी पूजा के सामान की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से आप प्रसाद और पूजा का सामान ले सकते हो और यहाँ से जो सुहागिनी है वो अपने लिए हरी चूड़ियाँ सिंदूर भी ले सकती हैं। अब हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है और अब हम जा रहे हैं मंदिर की ओर। फ्रेंड्स, ये है मंदिर में जाने का प्रवेश द्वार और अब हम यहाँ से जा रहे हैं भवन में मंदिर की तरफ, माता के गर्भगृह की ओर। और यहाँ से जो फोटोग्राफी है वो अलाउ नहीं है। ये है कैला माता। माता इसी रूप में अंदर विराजमान है। अभी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं और ये है मंदिर के आसपास के नज़ारे। ये है दीपदान, यहाँ पर लोग दर्शन के बाद दीपक जलाते हैं। और ये है माता के सबसे प्रिय भक्त गौरा भगत जी का मंदिर। इनका मंदिर माता के मंदिर के ठीक सामने बना हुआ है। माता के दर्शन के बाद लोग इनके भी दर्शन जरूर करते हैं। ये है मंदिर के अंदर के आसपास के नज़ारे। और यहाँ जो मेरा बेटा था वो मस्ती कर रहा था बहुत ही ज्यादा। मंदिर में ही आपको खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। यहाँ पर आपको खाना बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है और यहाँ से आप भोग प्रसाद भी बनवा सकते हैं। भवन से बाहर आते ही यहाँ पे आपको काफी दुकानें ऐसे देखने को मिल जाएगी जहाँ से आपको हैंडमेड पर्स, बच्चों के लिए खिलौने और लाख की चूड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन की मिल जाती हैं।
और यहाँ पे आप बच्चों के लिए लॉकेट ले सकते हैं, ब्रेसलेट्स ले सकते हैं। और भवन से जैसे आप बाहर की तरफ आते हो तो बाहर आपको खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था मिल जाती है, जहाँ से आप चाय नाश्ता वगैरह भी कर सकते हो। सो दोस्तों, अब हम कैला माता के मंदिर की बात जा रहे हैं, गुफा वाली माता के मंदिर, जो कि कैला माता का पहला स्थान है। जो लोग कैला देवी के दर्शन के लिए आते हैं वो इस स्थान पर भी जरूर जाते हैं। यहाँ आने के लिए आपको कैला देवी मंदिर से ही ऑटो मिल जाते हैं। ये स्थान कैला माता के मंदिर से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब हम आ चुके हैं गुफा वाली माता के मंदिर। सो अब हम आपको यहाँ के भी दर्शन कराएंगे। सो आप यहाँ के भी नज़ारे देख सकते हो, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। सो ये है मंदिर के अंदर जाने के लिए रास्ता। सो यहाँ से हम नीचे उतरते हुए मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे। फ्रेंड, जैसे ही नीचे मंदिर में आते हैं, सो मंदिर में अंदर एक गौमुख है जिसके मुख से 12 महीने जल गिरता रहता है। ये जल कहाँ से आता है, इसका क्या स्रोत है, इसके बारे में कोई भी अभी तक पता नहीं कर पाया है। और इस गौमुख से बहुत ही शीतल जल निकलता है। बहुत ही अद्भुत स्थान है ये। और ये है माता रानी का मंदिर। यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। अगर आप कैला देवी आते हैं तो एक बार आपको यहाँ भी ज़रूर आना चाहिए। और यहाँ पे लोगों ने ऐसे छोटे छोटे पत्थर के घर बना के रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं, जो लोग अपने घर की मनोती मानते हैं वो लोग यहाँ पे ऐसे पत्थर के घर बनाकर जाते हैं, ताकि माता रानी की कृपा से उनका भी एक अपना घर हो। यहाँ पे आपको काफी सुंदर नज़ारे देखने को मिल जाते हैं, जिसको देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी यहाँ आकर। सो एक बार आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। दर्शन हो गए और मेरे बेटे का जो मुंडन संस्कार था वो भी बहुत अच्छे से हो गया। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सो वीडियो पसंद आए तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय माता दी, खुश रहिए, ख्याल रखिए।